नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज हमारे खास मेहमान हैं पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। बिहार में एनडीए की बहुत बड़ी पराजय हुई, आप एनडीए के एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाय हैं, आपने पॉलिटिकल सिचुएशन को देखा, आपके हिसाब से बीजेपी की इतनी बड़ी हार के पीछे वजह क्या रही? आई थिंक जो कॉम्बिनेशन थी महागठबंधन की, जो कास्ट कॉम्बिनेशन एंड सारी कॉम्बिनेशन, वो नंबर्स इन फेवर ऑफ महागठबंधन। आपको लगता है कि कास्ट अरिथमेटिक ने, कास्ट एंड ओवरऑल रिलीजियस कॉम्बिनेशन जो थी, लाइक मुस्लिम, दलित, यादव, सो इट वॉज अ बिग कॉम्बिनेशन विच वेंट अगेंस्ट एनडीए। लेकिन जिस तरह का बीजेपी का कैंपेन रहा, जिस तरीके से कहा गया कि पाकिस्तान में दिवाली मनेगी अगर हम लोग अगर बीजेपी हार जाती है, जिस तरीके से कहा गया कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मर जाएंगे लेकिन मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे, क्या आपको लगता है कि कैंपेन में भी बीजेपी ने बहुत गलतियां? सी, मैं मेरी सोच बड़ी क्लियर है, जब से मैं पंजाब देख रहा हूँ मैंने अकेली पॉजिटिव कैंपेन की है, मैंने कभी भी नेगेटिव कैंपेन नहीं की, और मैंने उससे देखा है कि पॉजिटिव कैंपेन ओनली गेट्स यू थ्रू। जितना नेगेटिव कैंपेन करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। यू शुड टॉक अबाउट व्हाट यू गोइंग डू फॉर द पीपल। आम जनता चाहती है कि जिसको को मैंने वोट देना है वो हमारे लिए क्या करेगा, और पंजाब में हर बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की कैंपेन सब नेगेटिव होती थी, अगेंस्ट बादल, बादल फैमिली, बादल बादल बादल, और हम कहते थे कि हम आपको बिजली देंगे, सड़क देंगे, आपकी खेतों की, आपकी फसलों को उठाएंगे, आपको ये देंगे, चीज़ें देंगे, कंप्यूटर देंगे। सो जो हम पॉजिटिव करते थे उनकी कैंपेन नेगेटिव थी। आपके हिसाब से जो बीजेपी का नेगेटिव कैंपेन रहा बिहार में वो भी हार के पीछे एक बड़ी वजह रहा? मैं मुझे बिहार इतना ज़्यादा मालूम नहीं, पर मैं जनरली मैं देखता हूँ कि जहाँ भी कैंपेन पॉजिटिव होती है वही विनर होता है। साथ ही हमने इस इलेक्शन में देखा सर कि कम्युनल ओवरटोन्स बहुत थे, कहीं ना कहीं पोलराइज करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई, आपको लगता है कि उसने भी बहुत बैकफायर किया? एक्चुअली आपको पंजाब का एग्जांपल देखना चाहिए, पंजाब में हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई सब रहते हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं। पंजाब में कभी कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ क्योंकि हमने, पंजाब के लोगों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ हमने कभी कोशिश नहीं की। और आपको एग्जांपल देखें, जब मिलिटेंसी डेज था, 84 राइट्स थे, उस टाइम भी एक भी राइट पंजाब में कम्युनल क्लैश आज तक नहीं हुआ। ये बेसिकली बिकॉज जो हमारी लीडरशिप है, हम हर धर्म की फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, हम सब लोगों को साथ लेके जाते हैं, हमारे क्रिश्चियन जो उनके शुभ दिहाड़े होते हैं हम सब जाके मनाते हैं, मुस्लिम्स के दिहाड़े हम सब जाके मनाते हैं। ये पूरे पंजाब का कल्चर है, ऐसा कल्चर अब पूरे देश में भी चाहिए कि देश, क्योंकि हमारा एक ऐसा देश है कि दुनिया के सारे धर्मों को लोग यहाँ रहते तो हैं। जो रूलिंग पार्टी द्वारा कोशिश की गई कहीं ना कहीं ये कह के कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, शाहरुख खान को ये कहा गया कि आपका दिल पाकिस्तान में, आपको लगता है ये सारी गलतियाँ? एक्चुअली क्या है, जैसे कई कई बार नीचे लीडर हो जाते हैं वो ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं कि जिसको तो स्टेटमेंट्स बड़े बड़े सीनियर लीडर्स बीजेपी के दे रहे थे, जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय। सी, मुझे एग्जैक्ट जो ग्राउंड रियलिटी मैं उस वहाँ बिहार की कह नहीं सकता, पर मेरी तो यही कोशिश होती है जैसे हमारे स्टेट में है कि सब धर्म के लोग भाई बहने भाई भाई जैसे रहे। जी, साथ ही सर हमने ये देखा कि किस तरीके से आजकल कौन क्या खाता है इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, बीफ पॉलिटिक्स का एक अजब दौर शुरू हो गया है, अलग अलग जगह काउ स्लॉटर को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोगों की डेथ्स भी हुई, आपके हिसाब से क्या जो कोशिश की जा रही है लोगों पर क्या कोई खाता है इन्फोर्स करने की, क्या वो गलत? सी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर धर्म की जो चीज़ें हैं उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमें ना किसी को फोर्स करना चाहिए ना किसी से फोर्स कराना चाहिए, सब धर्म एक दूसरे की जो हैबिट्स है रिस्पेक्ट करें, सारे धर्म एक दूसरे के, कोई हर धर्म की अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग बातें हैं, क्योंकि इस देश में हम सब इकट्ठे एकजुट होकर रह रहे हैं, सो ये एक दूसरे के म्यूचुअल रिस्पेक्ट सभी चाहिए। और अगर कोई इन्फोर्स करने की कोशिश मैं करता है तो अभी जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तो यही सोच है कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वन।
आपको लगता है जो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने रिजर्वेशन को लेकर कमेंट दिया उससे भी नुकसान हुआ वहाँ? क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स मुझे इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे ऐसे रिजर्वेशन का इशू इतना नहीं है, क्योंकि बिहार में क्या ग्राउंड रियलिटी है अगर मुझे मालूम होती तो मैं इसका कमेंट के बारे में बता सकता। अच्छा, अगर हम देखें क्योंकि अब जो बड़े इलेक्शन होने वाले हैं उसमें पंजाब का इलेक्शन अहम है और सबकी नज़र पंजाब पर भी है, आपके हिसाब से बिहार में बीजेपी की जो हार हुई उसका पंजाब के इलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट? सी, पंजाब की सिचुएशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। पंजाब श्रोमणी अकाली दल बीजेपी का जो अलायंस है ये कोई इमीडिएट अलायंस नहीं है, बहुत पुराना, इन द इंटरेस्ट ऑफ पंजाब है। और पंजाब में हमने दो इलेक्शन जब जीते हैं डेवलपमेंट एजेंडा में जीते हैं, जो हमने जो पंजाब की कमियाँ थी, जैसे वी आर द ओनली स्टेट, हमने 5 साल में पावर सरप्लस बना दिया, रोड नेटवर्क हमारा इंडिया का सबसे बेस्ट बन गया, हमारा एवरी विलेज जो हमारा गांव है अगले 2 महीने में 4G कनेक्टेड हो जाएगा, एवरी स्कूल एवरी विलेज ऑफ द स्टेट, हम 100% सीवरेज वाटर सप्लाई ऑल 157 टाउन्स में देने लग रहे हैं। सो जो हमारा एजेंडा रहा है डेवलपमेंट, एंड वही डेवलपमेंट एजेंडा हमें बार बार लेके आता है, जो हमारे लोगों को मालूम चल गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट समिट किया, लाखों की इन्वेस्टमेंट पंजाब में आई है, क्योंकि हमने जो पॉलिसीज बनाई हैं वो पॉलिसीज फ्रेंडली हैं इन्वेस्टर्स की। महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद जब देखा कि किस तरीके से बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता टूटा, उसके बाद चिंता थी कि हो सकता है कि अकाली और बीजेपी भी अलग हो जाएं और बीजेपी अलग से चुनाव लड़े। बिहार की हार के बाद आपको लगता है कि अब बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी? नहीं, हमने तो जब भी हमें मीडिया से पूछा, ये स्पेकुलेशन पंजाब में, पंजाब के मीडिया में, नेशनल मीडिया में बड़ी आई कि अब अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन ये टूटेगा, पर हमने बड़ा क्लियर किया था और हमारी पार्टी का बड़ी क्लियर स्टैंड है, ये जो गठबंधन है ये नेशनल इंटरेस्ट में है और स्टेट के इंटरेस्ट में है। सो ये हम कभी सोच ही नहीं सकते कि ये गठबंधन टूटे। लेकिन आपको लगता है कि जो बिहार का एग्जाम्पल था जिसमें जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी सब एकजुट हुई, यूनाइट हुई उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ लड़ाई की, आपको लगता है कि वो एक टेम्पलेट पंजाब में भी होगा? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कांग्रेस से आवाज़ें आ रही हैं कि सबको मिलके एनडीए से लड़ना। हम तो तैयार हैं, पहले भी जब हमारे पंजाब में बेसिकली 2-पार्टी सिस्टम था, 2 लाइन्स थी, एक हमारी लाइन थी और कांग्रेस की, हमारे वो जितनी ऑपोजिशन दे टू फाइट टुगेदर अगेंस्ट अस, एंड आज तक अब जो सिचुएशन है हमारी ऑपोजिशन और ज़्यादा डिवाइडेड है, यहाँ आप भी आ गई है, सिमरजीत सिंह मान भी अपनी पार्टी ढूंढ रहा है, कांग्रेस भी अब अपने तरफ वो लड़ाई इलेक्शन लड़ेगी, पर कांग्रेस में भी कहीं अब ग्रुप्स बन गए हैं। अगर हम पंजाब की स्थिति को देखते हैं पिछले कुछ हफ्ते में, जगह जगह वायलेंस की खबरें आ रही हैं, 10 से ज़्यादा इंसिडेंट ऐसे हो गए जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब के पेजेस को फाड़ के किया गया, लग रहा है कि सिचुएशन अकाली सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्परेसी है, हकीकत है सर? नहीं, ये कॉन्स्परेसी कई एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हैं पंजाब को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये बॉर्डर स्टेट है विद पाकिस्तान, एंड आपने देखा है कि पहले पंजाब बड़ी मुश्किल से उस दौर से निकला है, अब वो ताकतें चाहती हैं कि वो दौर वापस पंजाब में लेके आया जाए। सो ये इसका जब पूरा बैकग्राउंड हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लिंक वो सारे चीज़ें वही निकल रही हैं कि बाहर से एक कॉन्स्परेसी तहत ये सब कराया है। कौन करा रहा ये है? एक आप देखें किसकी कंस्पिरेसी? एक देखें, अभी मैं कहना नहीं चाहता। नहीं कहिए ना, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आपसे संभल नहीं रही इसलिए आप कह रहे हैं कि बाहर। ये बात नहीं है, 10 दिन के अंदर हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे गुरु पर हमला किया गया, 10 दिन के अंदर हमारी जो सिखों की जो हाइस्ट अथॉरिटी है काल तख्त उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, 10 दिन के अंदर अंदर ही जो हमारी सिखों की पार्लियामेंट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, जो हमारी कन्वेंशंस है सिख रिलीजन की शरबत खालसा उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, ये एक सिख कौम में ये उनको डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की गई। आपके सामने कई ताकतें, एक तो एक्सटर्नल ताकतें हैं। कौन सी एक्सटर्नल ताकतें? नहीं, एक तो क्योंकि एक्सटर्नल ताकतें दो किस्म की होती हैं, या तो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो यहाँ कोशिश करती रहती हैं। बिसाइड्स दैट, अब मुझे बड़ा दुख लग रहा है
कि कांग्रेस उनके साथ मिल गई है। आज आप देखें सरबत खालसा बुलाया गया है, सिमरजीत सिंह मान ने, दल खालसा ने और जो जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनकी स्टेज पे कांग्रेस के MLAs और उनके लीडर बैठे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, और जिस स्टेज में रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं एंटी इंडिया खालिस्तान और जगतार सिंह हवारा या और कोई बड़े जो हैं उनको काल तख्त का जहदर ऐसा बनाया जा रहा है, जो सारी जो चीजें हैं आज कर रहे हैं, और कांग्रेस की शमूलियत है, कांग्रेस उसके क्राउड को वहां अपने अपने हलकों में कांग्रेस ने ड्यूटी लगा के वहां क्राउड लेके गई है। ये क्या है, ये पंजाब की अमन शांति को भंग करने की कोशिश कर रही है। दे वॉन्ट टू फाइट अकाली दल, इफ दे वॉन्ट टू फाइट अकाली दल डोंट पुट अ शील्ड, इफ दे वॉन्ट टू फाइट अकाली दल दे शुड फाइंड इट पोलिटिकली। नहीं पर पंजाब के अमन शांति के को इंटरेस्ट रखना चाहिए। मैं हैरान हुआ, आई एम क्वाइट शॉक्ड एट कांग्रेस। आपके हिसाब से जब पंजाब में इलेक्शन होंगे आपका मेन अपोनेंट कौन होगा, कांग्रेस की आम आदमी पार्टी? सी ये दोनों ही जो हैं दे आर फाइटिंग फॉर सेकेंड एंड थर्ड पोजिशन। कोई पीपल एज अ सेड पीपल लाइक पॉजिटिव एजेंडा, इनके पास अकेला नेगेटिव एजेंडा है, इनके पास बादल 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 के बगैर। पर अब आपके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी होगी टू टर्म्स में, टू अपने पहले टर्म पे जो किया था, सब मीडिया ने जितने आपके चैनल थे जितने आपके सर्वे थे दे सेड अकाली दल इज वाइप्ड आउट, अकाली दल केम बैक बिकॉज वी हैव, अकाली दल इज नॉट अ नॉर्मल पार्टी, इट्स नियरली 97 ईयर्स पार्टी, अ पार्टी विद अ काडर इन एवरी विलेज, हर गांव में हमारा काडर है, एंड वो बड़ी स्ट्रांग काडर है, इमोशनल काडर है, एंड इट्स अ काडर विच मेक्स अस विन एवरी टाइम। नहीं तो आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी से आपका कॉन्टेस्ट है या इनसे? ये बात ऐसी है क्योंकि दोनों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, खासतौर से आपको तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उनको लग रहा है दिल्ली में जो उनकी जीत हुई अगली बार पंजाब की फोटो आपकी आपकी हालात तो आपको देखी है। आपका लीडर कौन है, भगवंत मान? क्या करता पकड़ा गया, सुबह से लग के शाम तक वो शराब के नशे में रहता है, और ये उनका फेस है पंजाब का। ये अगर आस्था उनके साथ है, उनकी आस्था, चार सीटें जीते ना वो लोग, आस्था वो एक और सिचुएशन थी, एक और सिचुएशन करके वो आगे आ गई। अगर वो सेम सिचुएशन अभी नहीं है, अब भगवंत मान को किसी गांव में जाने नहीं देते। आपको लगता है कि जो अभी एकदम वायलेंट बिल्डअप हुआ इस इलेक्शन कैंपेन का, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, लेकिन फिर भी पंजाब की जो कंट्री साइड है उसमें आग लगी हुई है, खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से टेंशन है, आपको लगता है यही बढ़ता रहेगा? ये सारी स्ट्रेटजी कांग्रेस और आपकी है, ये चाहती हैं कि ये गवर्नमेंट के यू नो इलेक्शन ईयर जब हो जाता है, दीज पोलिटिकल पार्टीज विच वर डोमिनेंट सिटिंग दे वॉन्ट टू टेक एवरी ऑपरचुनिटी। अब ये रिलीजियस सेंटीमेंट्स को एक्सप्लोइट करने लगी हैं, रिलीजियस सेंटीमेंट्स को, जो पार्टी रिलीजियस सेंटीमेंट्स को एक्सप्लोइट करे आई थिंक दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी को ये अपनी पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? चलिए आप जुड़े हमारे साथ सुखबीर सिंह बादल, इसके लिए आपका धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत थैंक यू।